तो ही गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आपको पता है कि मैं थी यहाँ पे रोड के रास्ता, मैं आंध्रा जा रही हूँ, तो आंध्रा से मैंने पहले ही तमिल से हो के वो रास्ता चुना जहाँ से मैं निकल सकूँ। और मावो ने भी नाश्ता कर लिया है और मैं यहाँ रुकी हूँ नाश्ता करने के लिए। तो मैंने आज सोचा कि चलो आज डोसा खाते हैं नाश्ते में, और इसी के साथ करते हैं अपने आज के सफ़र की शुरुआत। और देखते हैं ये रोड यहाँ से है 118 किलोमीटर, कितना कंप्लीट कर पाती हूँ मैं एक दिन में। लेट्स गो। हाय अन्ना, हाय। जैसे कि आप लोगों को पता है, मुझे जाना है ई रोड पे। ओह, और बहुत चढ़ाई है, मैं अभी हाईवे पे हूँ। तो चलो देखते हैं क्या बनता है। चढ़ाई। लेट्स सी। तो अभी भी फ्लाईओवर मेरा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत ऊंचा है। वो आप लोग देख सकते हो सामने, कितना सुंदर सा विलेज है और माउंटेन शुरू हो गए हैं। ओह बहुत, पर चलो चलते हैं यहाँ से। और मेरी चोट लगी थी यहाँ पे। तो वो खड़ा अपना, तो मुझे ये अन्ना लोग मिले थे, तो यहाँ पे मैं रुकी थोड़ा टाइम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि वो ऑलरेडी स्लीप कर गया था। हाय अन्ना। उसके बाद अभी यहाँ पे बैठा था। उसके बाद फिर आपको जैसे पता है कि मेरा वे है विलेज से होके जाना है, मैंने विलेज का रास्ता चुना था। तो उस वजह से क्या हुआ कि अभी यहाँ पे मैं बैठी थोड़ा टाइम रेस्ट करने के लिए, और अन्ना लोग से कोई ट्रैवल किया मैंने यहाँ पे कुछ ट्रैवल के लिए, कोई ट्रिप। थैंक यू थैंक यू। ये है मावो का मिल्क और मैं पी रही हूँ यहाँ से जूस। मावो के यहाँ पे खाना डालेंगे। तो यहाँ पे मैं मावो को बाहर घुमाने लेके आई थी, और इसका हाल देख लो। पता नहीं इसको क्या हो गया, इसने लीश भी पूरा खा लिया, सब कुछ खाता रहता है। तो यहाँ पे भी हर जगह पे इसका मुंह था। चलो पर अभी बच्चा में क्या कर सकता है, अभी धीरे धीरे सीखेगा। तो यहाँ पे मैंने भैया से पूछा कि यहाँ से रोड कितना किलोमीटर है, तो एक बड़ा सा नैरो सा रास्ता आ गया था बीच में, जहाँ पे बहुत हैवी वाहन जा रहे थे, वाहन मेन व्हीकल्स जा रहे थे, और मुझे लग रहा था रिस्क। और मैंने क्या किया, क्योंकि कार्ट का पीछे मुझे देख के चलना पड़ता है कि हाँ कितना है, तो मैं यहाँ से डिसाइड किया कि मैं यहाँ से चल के ही जाएगा, मैं यहाँ से साइकिल से नहीं निकलेगा। और किसी ने पीछे कार्ट पे हिट कर दिया और मावो को हिट हो गया तो मुश्किल हो जाएगा। तो अन्ना मिले थे रास्ते पे, तो तमिल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है मुझे, सब लोग मुझसे बात करना चाहते हैं पर सब। तो ये है दूसरी चढ़ाई, पूरी दूसरी, पूरा रास्ता ऐसे ही निकल गया। तो अपा मुझे फिर, तो मैं अभी रास्ते में जा ही रही थी कि मुझे ये अन्ना मिले वापस। अन्ना किसी काम से इधर गए थे, तो अन्ना ने मुझे देखा और मुझे रोक लिया। अन्ना ने बोला कि ऐसे मत जाओ, तो तुम कुछ पी लो, नारियल पानी या कुछ पी लो। तो अन्ना ने ये, तो मैंने केन जूस ऑर्डर कर दिया था कि केन जूस पी लेते हैं, और मावो को दूध डाला था, लेकिन थोड़ा टाइम हो गया था तो मैंने मावो को भी जूस दिया था।
तो यहाँ पे ये अंकल भी मिले थे जो बिल्कुल पंजाबी जैसे लग रहे थे, क्योंकि कोयम्बतूर एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारे पंजाबी भी रहते हैं, शिफ्ट हुए हुए हैं। तो चलो इसी के साथ इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा था मुझे, और रन्ना को तो आप लोग अब जानते हैं, मैं इनके घर में रुकी भी थी। यहाँ पे बज गए थे दिन के 3:30 और मैं बैठी थी, बहुत ज़्यादा थकी थी, धूप बहुत ज़्यादा, धूप मुझे और भी ज़्यादा थका देती है। तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ और यहाँ पे मावो भी बैठा हुआ है, और रास्ता इधर को है, पूरा हाईवे ही है यार, पूरा रास्ता चढ़ाई का ही है, और चढ़ते 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 मैं चढ़ चुकी हूँ, अब मुझे नहीं पता कब मर जाऊँगी मैं। तो मावो को ज़रा सा उठाओ तो उठ जाता है, वैसे पूरा सो के जाता है ट्रैवल में। तो ये मेरा पुत्तू है, मेरा अच्छा सा बेबी है। तो अम्मा भी बैठी है इधर, अम्मा से ही बात हो जाएगी। तो मावो आज फिर कैंपिंग करने से बच गया, तो अभी मैं किसी के घर पे, और मैं वहाँ बैठी हुई थी तो मुझे एक पंजाबी सर आए और उन्होंने अपने घर पे इनवाइट कर लिया, और वहाँ पे मैंने पहले किया लंच, ये था लंच, और उसके बाद मैं सो गई, और उसके बाद मावो और ये उनके बच्चे और ये सब आए थे। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਮੂ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਝੰਗੜਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ। रोड की तरफ शुरू किया था और रास्ते में ही मुझे मिल गए थे एक पंजाबी कपल। एज मैं हमेशा ऐसी सोचती हूँ, मैं वहाँ पे बैठी हुई थी, मैं सोच रही थी कि आज क्या होगा, आज कुछ अच्छा होगा कुछ बुरा होगा, तो मैं सोच ही रही थी। तो ऐसे सोचते सोचते क्या हुआ कि वहाँ पे मैं बैठी हुई थी तो एक पंजाबी सर ने मुझे देखा कि कोई लड़की बैठी हुई है, तो वो मेरे पास आए, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो मैंने बताया ऐसे ऐसे कि मैं पंजाब का सफ़र तय कर रही हूँ, और उन्होंने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया। पहले मैंने डिनाई किया, पर फिर मैम भी आ गए, और फिर मैम ने भी मुझे बोला कि नहीं आप हमारे यहाँ रुको, तो फिर ज़्यादा मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता, डिसरिस्पेक्ट हो जाता है। तो फिर मैं आ गया था उनके घर पे, और अभी 2 दिन उनके घर पे ही रुका, पंजाबी फूड खाया बहुत सारा, गोलगप्पे टिक्की सब कुछ खाया। तो मैं आपको भी मिलवाऊँगी उनके साथ बाद में, और मावो भी यहाँ मेरे पास में बैठा हुआ है रिलैक्स पूरा, इसकी शरारतें नहीं ख़त्म होती हैं। और मुझे बहुत डर लगता है जब मैं किसी के घर में होती हूँ कि यार क्या होगा क्या होगा, पर ठीक है संभल जाता है, बस जब सुसुपोटी जाना होता है तब थोड़ा शोर डालता है, अदरवाइज़ शांति से सो जाता है। और आजकल इसको कोई दिक्कत हो गया, इसकी टीथ बाइटिंग्स बहुत चलती हैं। तो पता नहीं क्यों मामों को बहुत लोनली लोनली फील हो रहा था, मतलब मैं कहीं भी होती हूँ, मतलब मेरे को सुसु पोटी जाना सच में बहुत मुश्किल कर देता है। तो यहाँ पे लग गया पंजाबी खाना, चावल रोटी राजमा वाइट चना आलू शिमला मिर्च और सैलेड, ये सब था उस दिन डिनर में, और मेरे को पूछ के बनाया था, मेरे को काफ़ी टाइम हो गया था राजमा चावल नहीं खाया था। तो अच्छा लगता है यार, पंजाबी फूड बहुत टेस्टी होते हैं, इसलिए मैंने तो बहुत टाइम हो गया था अब खाए, नवंबर से मैंने अपना घर छोड़ा हुआ है, और अभी फेब मार्च शुरू होने वाला हो गया, और तो मैं आपको मिलवाती हूँ उनसे। मैचिंग उफ पिंक पिंक मैं
सिमी है, सिमी इज अ पंजाबी ने बोलते हैं रशपाल सिंह और थोड़ा सुखविंदर क्या मेरे नाम याद हो गए सोमत सर मैं पहला मिले सी मैम मैं बाजो मिले मैनु प्लेस देन ली अच्छा फूड देन ली आऊंगी तो मावो नाल किवें बिहेव होगा ना एकदम बहुत ज्यादा दे नाल प्यार नाल सर हां थैंक यू सो मच अगेन थैंक यू कोई विश देनी हो मेरे ट्रैवल ली मैं पंजाब जाना है बाई आओ कोई विश दो चलो ठीक है मैं और सर तो अभी खाना वाना खा के मैं मावो को सूसू और पोटी कराने आया मुझे पता है उसकी टाइमिंग सब वो समझदार डॉगी है किसी के घर में नहीं सूसू पोटी करता है मुझे सबसे अच्छा लगता है इसको लेके तभी मुझे सबसे ज़्यादा इसके साथ प्यार है और ठीक है इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का एंड कल सुबह जल्दी निकलना है और जल्दी पहुंचना है कहीं मुझे और देखेंगे कल क्या होता है कल रहने का क्या था आज मैं भगवान से प्रे कर रही थी कि आज मैं बड़े टफ से रोड पे हूँ बड़ा डिफरेंट सा रोड था आज मेरे लिए तो कोई अच्छी सी जगह मिल जाए आज डर था अपने अंदर तो सब मुझे बोलते हैं भगवान हमेशा तेरे साथ है डोंट वरी और हमेशा ऐसे ही होता है मैं वरी नहीं करता भगवान सीरियसली मेरे साथ है ओके तो ठीक है मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ गुड नाइट अपना ख्याल रखें और मैं आपको बता दूं कि मैं किस जगह पे हूँ मैं जा रही हूँ ई रोड आंध्र प्रदेश का रास्ता है तमिल से होके निकलता है तो मैं तमिल से निकल के आंध्रा जा रही हूँ तो ठीक है देखते हैं क्या क्या होता है इस सफ़र में नया नया रोमांचिक रोमांचिक रोज नया एक्सपीरियंस होता है मेरे साथ आई लव दैट